जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम से मैं साहिबा वानो। चलिए रुक करते हैं अब जालौन के कुछ मुख्य खबरों का। आपको बता दें कि जालौन कोच कोतवाली क्षेत्र के एट रोड बिजली पावर हाउस के पास अज्ञात बुलेरो ने बाइक सवार दो युवकों को मारी टक्कर, जिससे एक युवक को हाथ में हल्की चोट आई, वहीं दूसरे युवक को ज्यादा चोट आने के कारण जिला अस्पताल में भर्ती कराकर उपचार किया जा रहा है। वहीं बाइक सवार सर्वेश कुमार निवासी बरोदा कला थाना कैलिया बताई गई है। वहीं सर्वेश कुमार के रिश्तेदार गुलजार सिंह निवासी कोच निजी काम को लेकर एट जा रहे थे, तभी बिजली पावर हाउस के पास अज्ञात बुलेरो ने मारी टक्कर, जिससे कि दो युवक घायल हो गए। दोनों का उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। जालौन से महेंद्र कुमार गौतम की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर्वेश है। कहाँ के रहने वाले हो? क्या हुआ है, कैसे एक्सीडेंट हो गया? किस जगह पे? किसने एक्सीडेंट किया? एक गाड़ी बिलोरो थी। अच्छा। हाँ, पुरानी मॉडल की गाड़ी है थी भाई ने। किस कलर की बिलोरो थी? नीले कलर की। अच्छा, कितने बजे घटना है? 6 बजे की। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर हमें जरूर बताएं। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बुंदेलखंड की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24।